मजलिस ये हमारे राजा भाई की मोहब्बत है, मुसलसल ये मेरे आने के बाद रबते में रहे, मुझे यहाँ हाजिरी देनी। मेरी हालत आप देख रहे हैं, मुझसे न चला जाता है न बोला जाता है। तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया और कई साल तो हो गए मुझे बोले हुए कि मैं तकरीब नहीं कर पाता, बल्कि अब तो नमाज भी पढ़ाने के लायक नहीं रहा। अपनी मस्जिद में एक नायब इमाम रख लिया, मैं खुद भी उनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। तो अब जाहिर कि तबीयत साथ नहीं देती, इसलिए मैंने अमेरिका का प्रोग्राम बनाया था, और इसलिए कि जो हजरात वहाँ हमसे मुतालिक हैं या सिलसिले से मुतालिक हैं, ताकि उनकी इस मुतालिक हैं ताकि उनकी इसलाह रहे। हिम्मत तो मैंने कर ली, लेकिन सफ़र इतना तवील है, तबीयत नहीं मानी, इसलिए कि जहाँ भी जाएँ वहाँ बोलना पड़ता। अब देखिए यहाँ भी कोई बोलने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन बोलना पड़ता, तो इसलिए सफ़र ही मैंने मुलतवी कर दिया। क्योंकि एक महीने का वीज़ा मेरा लग गया था, तो मैंने इस तरह लगाया कि जैसे मैं जाते में उमरा कर लूँ और वहाँ महीने 1.5 महीने रहने के बाद फिर वापसी में भी उमरा कर लूँ। अब वो एक्सपायर होने वाली थी डेट, तो तबीयत ने गवारा नहीं किया। मदीना शेख का वीजा लगाओ तो और मैं नहीं जाऊं, इसलिए मैं हाजिर हो गया। रो रहे हैं, रो रहे हैं। तबीयत को सामने रखते हुए चंद बातें करता। इरशाद बारी ताला हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और एक और जगह फरमाया हक़ तुकाती, देखो वैसा डरो जैसा डरने का हक। उसका क्या मतलब हुआ कि जलवत में भी डरो और खलवत में भी डरो। जिस वक्त कोई ना देख रहा तब भी डरो। हमारा हाल ये है, उस वक्त लोग देखते हों तो शायद हम डरते हैं अल्लाह ताला से, और कोई ना देखे शायद हम इकदाम कर बैठे। नहीं, पर खाती वैसा डर जैसा डरने खाता। वला तमू तुम ना, हरगिज ना मरना, इल्ला अंतुम, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐसी हालत में मरना तो तुम्हें जब मौत आए तो ईमान की हालत में आए। हर आदमी आप जानते हैं, सबको मालूम है कि मरना, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की। अब चंद बातें बताता हूँ इमाम जलालुद्दीन सियूती के हवाले से। देख कोई आदमी आता है, मैं तो मामूली सा आदमी यहाँ आया, 10-20 लोगों को खबर तो हुई ना कि भाई मौलाना आ रहे हैं। अब एक मलकुल मौत का इतना बड़ा पैगाम आ रहा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, कोई कासिद तो आना चाहिए ना, बताया कि भाई देखिए इतना मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता जो है ना वो आ रहा। ये सवाल किया गया मलकुल मौत से, उन्हें जवाब दिया कि हाँ मेरे आने से पहले मेरे कासिद आते हैं। वो क्या कासिद हैं? फरमा बालों का सफेद होना, बिनाई का कमजोर होना, कान का कमजोर हो, ये मेरे कासिद जब ये आए समझ लो कि मैं आने वाला हूँ। की अलामत है, तो उससे पहले आदमी अपना इंतजाम करे। तो ये तो ज़िमनन बात आ गई। मैंने अर्ज किया कि वला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून, ऐसी हालत मरना कि तुम मुसलमान। और ये जो आयत मैंने पढ़ी वो कुल्लु कौलन सदीदा, देखो जब बात करो तो सच्ची बात करो, फिर की बात मत करो, झूठ मत बोलो। और हदीस शरीफ में बड़ी बुराई आई, और मैं एक आदमी झूठ बोलता रहता यहाँ तक के जो अल्लाह ताला के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। और झूठ जो है जहन्नम की तरफ ले जाने वाला रास्ता है, और आदमी सच बोलता है यहाँ तक के कि वो सिद्दीक लिख दिया जाता है, और सिद्दीक जो है यानी सिद्ध जो है वो जन्नत का रास्ता है। इमाम गज़ाली ने बीमारियों में लिखा, जबान की जो बीमारियाँ उसमें ये लिखा
कि रोजाना आदमी के जिस्म के आज़ा उसकी ज़बान से इल्तिजा करते खुदा के लिए, अल्लाह से डरना हमारे खातिर, हम पे रहम करना। उसकी वजह क्या? देखिए आदमी ज़बान से बोलता, डंडा कहाँ पड़ता है सर? कोई मारेगा तो कहाँ मारेगा? ज़बान को नहीं मारेगा, बदन पर मारेगा, हाथ पे मारेगा, टांग पे मारेगा, सारे आज़ा उससे फरियाद करते कि ज़रा खुदा से डरना, कोई ऐसी बात ऐसे ना करना, कोई मसला हो जाए। एक बात, और दूसरी ये कि ज़बान एक छोटी सी, देखिए आदमी बड़ी से बड़ी शानदार गज़ा खाता है, काय के लिए खाता है कि ज़बान के मज़े के खातिर खाता है, हलाल भी खाता है, हराम भी खाता है। एक ज़बान को तर करने के लिए कितनी चीज़ें खाता है आदमी, ठीक। अच्छा, अब ज़बान से उतर जाए, ख़त्म होगी बात। अलग से उतरने के बाद ना कोई कोहमा है, ना बिरयानी है, ना जरदा है, ना कोफ्ते, कुछ नहीं, सब एक होकर रह जाते हैं। तो इसको संभालना, और सहा सित्ता में हदीस मौजूद है जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार तो पता लगता है। फरमा दो बातों के तुम मुझे जमानत दे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता। जन्नत की जमानत कौन देगा? ये जन्नत का मालिक वही देगा ना। बेशक वो दो बातें फरमा, वो जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान और अपनी शर्म का, इसकी तुम हिफाजत करो, जन्नत की जमानत मैं देता अल्लाह, जन्नत की जमानत दी हुज़ूर अलैहिस्सलाम। तो सच्चाई की तरफ चले आप। आज लोग कहते हैं कि भाई झूठ बोले बगैर गुजारा ही नहीं, अब क्या इसमें जमहूरियत चलती है? तो लोग माले ज्यादा हैं कि हम भी झूठ बोलने लग जाए, तो अभी तो ऐसा है जैसे कि आप देखें भाई जमहूरियत है इसमें।